गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास फर्स्ट. इन इंग्लिश रीडर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 5, द वुडकटर एंड द सर्पेंट. वुडकटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, एंड द सर्पेंट मीन्स सांप. ओके, सो ओपन योर इंग्लिश रीडर नोट, इंग्लिश रीडर बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 5 एट पेज नंबर 25. This story is about a woodcutter and a serpent. Okay, so let's start. One wintry day, a woodcutter was tramping home from his work. एक सर्दी के दिन जो एक वुडकटर है वो अपने वर्क से, अपने काम से, अपने घर पैदल जा रहा था, धमधमाते हुए, मतलब भारी भरकम पैरों से. ट्रैम्पिंग मीन्स होता है भारी भरकम पैरों से धमधमाते हुए चलना. ओके, वेन He saw something black lying on the snow. और तभी उसने स्नो यानी बर्फ पर कुछ ब्लैक रंग का, ब्लैक सा पड़ा हुआ देखा. When he came closer, जब वे उसके पास गया, जब वे उसके पास आया, he saw it was a serpent to all appearance dead. तो उसने देखा कि यह एक serpent है, यह एक सांप है जो कि पूरा dead यानी मरा हुआ दिखाई दे रहा है. Appearance means दिखाई देना. But he picked it up and put it close to his bosom to give it warmth while he hurried home. लेकिन उसने उस सांप को, उस सरपेंट को उठाया और अपने bosom, bosom means chest, अपने chest के पास लाया ताकि वो थोड़ा गर्म feel करे. उसको थोड़ी गर्मी देने के लिए उसने उसको अपने chest के पास लाया, chest के close यानी पास लाया. As soon as he got indoors, और जितनी जल्दी वो अपने घर आया, indoors अपने घर के अंदर आया, he put the serpent down on the hearth before the fire. और उसने उस serpent को आग के पास, hearth means आग के पास वाली जगह, उसने अपने उस serpent को आग के पास जमीन पर रख दिया. The children watched it and saw it slowly come to life. और उसके जो children हैं, उसने उन्होंने देखा कि जो serpent है वो धीरे धीरे वापस से जीवित हो रहा है. Life again, मतलब वापस से जीवित हो रहा है. Then one of them stooped down to stroke it. एंड फिर उनमें, उन बच्चों में से जो एक बच्चा है वो झुकता है उस serpent को टच करने के लिए, उसे प्यार से हाथ फिराने के लिए. स्टूप मीन्स झुकना, क्योंकि जब वो बच्चे देखते हैं कि सांप में धीरे धीरे जान आ रही है, वो धीरे धीरे जीवित हो रहा है, तो वो उसको प्यार से हाथ लगाना चाहते हैं, इसको टच करना चाहते हैं. बट द सरपेंट रेज्ड इट्स हेड एंड पुट आउट इट फैंग्स. लेकिन जो सरपेंट था उसने अपना सिर ऊपर किया, उसने अपना जो फन है उसको ऊपर किया एंड अपने नुकीले दांत निकाले, फैंग्स मीन्स नुकीले दांत, एंड वॉज अबाउट टू बाइट द चाइल्ड टू डेथ. और वो उस बच्चे को काटने के लिए रेडी हो गया. सो द वुडकटर सेज्ड हिज एक्स. इसलिए वुडकटर ने अपनी एक्स मीन्स कुल्हाड़ी को पकड़ा, सेज्ड मीन्स पकड़ना. वुडकटर ने अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ा एंड विद वन स्ट्रोक कट द सरपेंट इन टू. और एक ही बार मारने पर उस सरपेंट को दो टुकड़ों में कट कर दिया. आह, सेड ही, वुडकटर ने कहा. आह, वुडकटर ने ऐसा दुखी होकर कहा, दैट नो ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द विकेड. दुष्टों का कभी एहसान नहीं मानना चाहिए, दुष्टों का कभी एहसान नहीं मानना चाहिए. जो दुष्ट हैं, जो विकेड हैं, वो कभी ग्रेटफुल नहीं होते. ओके चिल्ड्रन, ऐसा वुडकटर ने दुखी होकर इसलिए कहा क्योंकि वुडकटर ने उसकी हेल्प की थी, उस सरपेंट की हेल्प की थी उसको वापस जीवित होने में, फिर भी उसने उसके चाइल्ड को, उसके बच्चे को काटना चाहा. इसलिए वुडकटर ने कहा, दैट नो ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द विकेड. जो शैतान है वो कभी एहसान नहीं मानते. सो चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद फिल द वर्ड्स इन दिस ब्लैंक्स. नंबर 1, द वुडकटर सॉ समथिंग ब्लैक लाइंग ऑन द डैश. तो टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट द वुडकटर सॉ समथिंग ब्लैक लाइंग ऑन द स्नो. उसने स्नो पर कुछ ब्लैक सा पड़ा हुआ देखा. व्हेन ही केम क्लोजर, ही सॉ इट वाज अ सरपेंट टू ऑल अपीयरेंस. जब वो पास आया तो उसने क्या देखा कि सरपेंट कैसा दिख रहा है,
जो सरपेंट है वो डेड यानी मरा हुआ दिख रहा है। नंबर थ्री, ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट इन हिज, उसने सरपेंट को उठाया और क्या किया, उसने सरपेंट को उठाया और अपने बोसम यानी चेस्ट के पास लाया। नंबर फोर, द सरपेंट रेज्ड हिज हेड एंड पुट आउट इट्स डैश, सरपेंट ने अपने सर को उठाया और क्या किया, अपने नुकीले दांत उसने निकाले, जहरीले दांत निकाले, पुट आउट इट्स फैंग्स। द वुड कटर सेज्ड हिज, वुड कटर ने अपना क्या पकड़ा, वुड कटर ने अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी को पकड़ा। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पार्ट, राइट द मैस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हियर वी हैव गिवन सम मैस्कुलिन जेंडर्स टू चूज द करेक्ट वन एंड फिल इन द स्पेस। ओके, हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ फेमिनिन जेंडर एंड फ्रॉम दिस बॉक्स वी हैव टू चूज करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर द फेमिनिन जेंडर। सो नंबर वन, गर्ल, सो व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गर्ल, दैट इज बॉय। नेक्स्ट प्रिंसेस, व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ प्रिंसेस, दिस इज प्रिंस। नंबर थ्री, लेडी, एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर फॉर लेडी, दिस इज जेंटलमैन, दिस इज हियर। नंबर फोर, हीरोइन, एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर फॉर हीरोइन, दैट इज हीरो, राइट हियर इन द स्पेस। नंबर फाइव, सिस्टर, एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर फॉर सिस्टर, दिस इज ब्रदर, हियर दिस इज ब्रदर। नंबर सिक्स, वुमेन, एंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वुमेन इज मैन, देयर इज। नंबर सेवन, सी, एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर फॉर सी, दिस इज ही, राइट इन द स्पेस ही। नंबर एट, डॉटर, एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर फॉर डॉटर, दिस इज सन, राइट हियर इन द स्पेस। नेक्स्ट मदर, एंड द मैस्कुलिन जेंडर फॉर मदर इज फादर, हियर इज इट, फादर। नंबर टेन, ग्रैंड मदर, एंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ग्रैंड मदर इज ग्रैंडफादर, हियर इट इज ग्रैंडफादर। नंबर इलेवन, वाइफ, एंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वाइफ इज हस्बैंड, हियर इट इज। एंड द नेक्स्ट इज क्वीन, एंड द मैस्कुलिन जेंडर फॉर क्वीन इज, यस दिस इज किंग, राइट हियर इन द स्पेस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर वन, वी गो टू द डैश व्हेन वी आर सिक, सिक मीन्स बीमार, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, टेल मी चिल्ड्रन, वी गो टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, वी गो टू द डैश टू सी द एनिमल्स, एनिमल्स को देखने के लिए कहाँ जाते हैं, एनिमल्स कहाँ होते हैं, जू में, दिस इज जू, राइट हियर इन द ब्लैंक। नंबर थ्री, वी गो टू द डैश टू बाय वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, वी गो टू द मार्केट फॉर बाय वेजिटेबल्स। नंबर फोर, वी गो टू द डैश टू रीड बुक्स, बुक्स को पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, बुक्स कहाँ मिलती हैं, बुक्स हमें लाइब्रेरी में मिलती हैं, सो वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक्स। नंबर फाइव, वी गो टू द डैश टू प्ले, प्ले के लिए कहाँ जाते हैं, खेलने के लिए, प्ले के लिए प्ले ग्राउंड में जाते हैं, तो वी गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले। ओके चिल्ड्रन।
Now next part, look at the pictures below and tick the right word. Pictures को देखना है और right word पे tick करना है. So what is this? What can you see in the picture? Yes, this is a boat. So tick here, boat. Note is wrong and quote is wrong. This is boat. So tick on the word boat. Next page. What is this? What you can in this picture? This is a wall. Wall means diwar, right? So tall is wrong. Tick on the wall. A call is also wrong. So right word is wall. Number 3. What is this? What can you see in the picture? This is a coat. So tick on the right word coat. Next. What is this? Tell me children, this is a train. Yes, right, this is a train. So tick at the right word, train. Okay. Now part C. See the picture and fill in the blanks. The children, here we have to see this picture and fill in the blanks with the help of this picture. So first look at this picture. How many things can you see in the picture? Woman, man, squirrels, boys, elephant, trees, birds, butterflies and flowers. So now come to the fill in the blanks. We see one dash in the picture. Tell me children, what is one in the picture? Here is only one elephant in the picture. So right here, elephant. The picture shows us two dash. What are two in the picture? Here, two men in the picture. Right, M-E-N, man. Okay, now there are three dash in the in the picture. Tell me children, what are three in the picture? Look, there are three women in the picture. The right here, woman. Look at the four dash there. What are four in the picture? Fine. There are four boys in the picture. So right here, boys. Let us find five dash in it. So children, what are five in the picture? Here, five trees. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trees. So we have to write here, trees. We see 6 dash in the park. What are 6 in the park? Count. What are 6 in the park? There are 6 squirrels in the park. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So write here, squirrels. The dash are 7 in number. So what are 7 in numbers? There are 7 butterflies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. Now there are 8 dash in the park. What are 8 in the park? There are 8 flowers in the park. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 flowers in the park. We see 9 dash there. What can you see? 9 in the number. What are 9 in the picture? We can see 9 birds in the picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So write birds. We see 9 birds there. And find 10 dash in the picture. What are 10 in this picture? There are 10 mangoes. Look here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mangoes in the picture. So right here, mangoes. Okay, children. Do you understand this? So learn and do practice of these exercises and read the chapter again. Okay, children, have a good day. Now we will do and learn.
education got end by reading of the chapter 5, the Mudgada and the Serpent. So, open your notebook and start with me. Write with me and speak with me. Number 1. Tramping. T-R-A-M-P-I-N-G. Tramping. T-R-A-M-P-I-N-G. Tramping. Number 2. Appearance. A-W-P-E-A-R-A-N-C-E. Appearance. A-W-P-E-A-R-A-N-C-E. Appearance. Number 3. Bosom. B-O-S-O-M. Bosom. B-O-S-O-M. Number 4. Heart. H-E-A-R-T-H. Heart. Number 4. H. E-A-R-T-H, heart. Number 5. Gratitude. G-R-A-T-I-T-U-D-E. Gratitude. G-R-A-T-I-T-U-D-E. Gratitude. Okay, children. Now come to the word meaning. Word meaning. Number 1. Serpent. S-E-R-P-E-N-T. Serpent. The meaning of serpent is? Sam. The meaning of serpent is? Sam. Now number 2. Stroke. S-T-R-O-K-E. S-T-R-O-K-E. Stroke. Stroke means marna. Number 3. Bosom. Sorry. Number 3. Wicket. W-I-C-K-E-D. Wicket. W-I-C-K-E-D. Wicket. Wicket means shaitan. It means shaitan. Number 4. Sail. S-E-I-Z-E-D. Sail. Sail means pakadna. Sail means pakadna. Number 5. F-A-N-G-S. Fans. Fans means uti lena. Uti lena. Fans means uti lena. Okay, children. Now write these dictation words and word meaning in your notebook and learn these dictation words and word meaning. Okay, children? So, students, now come to the make sentence. Start with me. Number 1. Stroke. S-T-R-O-K-E. Stroke. And the sentence is? He cut the tree with one stroke. उसने tree को एक बार मारने पर ही कट कर दिया. Okay, now number 2, wicket.
WICKED. Wicked. The sentence is Ravan was a wicked king. रावण वॉज अ विकेट किंग. रावण एक शैतान राजा था और या फिर दुष्ट राजा था. नंबर थ्री सिल्व SELZED. सिल्व द सेंटेंस इज द Says his axe. Woodcutter ने अपनी axe यानी कुल्हाड़ी को पकड़ा. Number four. FANGS. Fan. Sentence is a snake has poisonous fangs. A snake has poisonous fangs. एक जो सांप है उसके दांत poisonous यानी जहरीले होते हैं. Okay children? Now come to the question answer. Question number one. Who was tramping home from work? Who was tramping home from work? And answer is a woodcutter was tramping home from work. जो एक woodcutter है वो अपने वर्क पर से घर वापस जा रहा था. क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डिड द वुडकटर सी. वुडकटर ने क्या देखा? And answer is he saw a serpent. उसने एक serpent यानी सांप को देखा. Now question number three. Where did the
वुड कटर, पुट द सर्पेंट। वुड कटर ने सर्पेंट को कहां रखा? आंसर इज close to his bosom। woodcutter ने serpent को अपने bosom यानी chest के पास रखा। now question number 4। अगेन किसने सरपंच को वापस जीवित होते हुए देखा? एंड आंसर इज द चिल्ड्रन वॉच अगेन चिल्ड्रन ने सरपंच को वापस जीवित होते हुए देखा। ओके स्टूडेंट्स, सो चिल्ड्रन नाउ राइट दिस मेक सेंटेंस एंड क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड लर्न दिस ऑल नोटबुक वर्क। ओके स्टूडेंट्स।